मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज भारतीय जनता पार्टी ने विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने TIT कॉम्प्लेक्स के बाहर मंच लगाकर बारिश से किसानों की फसल बर्बादी और बिजली के बढ़ते बिलों के साथ किसानों की कर्ज माफी पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और BJP कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। किसान महिलाओं ने पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के भाषण के दौरान मंच के पास जाकर बिजली के बढ़ते बिलों की समस्याएं बताई। खरगोन में TIT कॉम्प्लेक्स में भाषण के दौरान राहुल गांधी के खरगोन में 30 अक्टूबर 2018 को चुनावी रैली में दिए भाषण का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने कड़ा तंज कसते हुए वादा खिलाफी को याद दिलाया। किसानों ने बताया कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इसी बात पर पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने धरना प्रदर्शन के दौरान थूक कर चाटने वाला मंच से भाषण दे दिया। यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, किसी को छोटी कौड़ी नहीं थी माहौल के नाम। ऐसी अचरमंड सरकार और जिसको कहते हैं कि जिसमें कोई जवाबदारी का इसमें बोध ही नहीं है, बात भी जिम्मेवारी से नहीं करते। अब इसके एक में एक उदाहरण अभी देखिए, एक सबसे बड़ा इन्होंने पाखंड किया था किसानों को कि आपका कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी बोल गए 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 महीने हो गए कर्जा माफ हुआ नहीं। और अब वो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, वो अभी बोला 2 दिन पहले राहुल जी ने गलत घोषणा कर दी, ऐसी घोषणा नहीं करना। अरे जिस घोषणा पे मध्य प्रदेश की एक अखंडी सरकार बनी है, वो लोग अब कह रहे हैं कि ये घोषणा नहीं करना था, तो अब क्या करना? तो राहुल जी ने जनता से माफी मांग लेना। तो माफी को क्या समझते, माफी क्या कहते हैं हम हमारे निमाड़ी में? थूक के चाटना। तो कांग्रेसी नेता अपने आवाज आए तो इनको बोलो कि ना पहले थूक के चाटो, उसके बाद आपको। बारिश से धरना प्रदर्शन स्थल पर अचानक भाषण देने के दौरान तेज बारिश आ गई। इस बारिश से धरना स्थल सुनसान हो गया। सभी नेता और कार्यकर्ता तत्काल TIT कॉम्प्लेक्स में दौड़ लगाकर छांव का आसरा ढूंढने लगे। 15 मिनट की तेज बारिश के बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये पूरे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से सारी फसलें बर्बाद हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका भारतीय जनता पार्टी का अपना कर्तव्य है कि सरकार के सामने किसानों की समस्या को उठाया जाए, इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। मालवा में भी, निमाड़ में भी और विंध्य में भी, सब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के पास किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, दूसरा खरीफ की पूरी फसल बर्बाद हो गई और सरकार कोई गंभीरता से इस विषय को ले नहीं रही है। इसलिए हमने ये प्रदर्शन किए, सरकार को जगाया है कि सरकार किसानों के खेत का सर्वे करे और राहत राशि तुरंत प्रदान करे, साथ में उसको बीमे की राशि भी दिलवाए, और ये जब मिलेगा तो फिर किसान अगली रबी की फसल की तैयारी करेगा, अन्यथा ये जब देर हो गई तो उसको खरीफ भी बर्बाद और रबी भी बर्बाद हो जाएगी, तो किसान तो लुट जाएगा एक प्रकार से। इसलिए ये सामयिक विषय था, इसलिए हमने इसको पूरे मध्य प्रदेश में रखा है।